हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले मैं इस टाइप का दो लेक्चर कवर किया हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। और यदि किसी आप सेपरेट टॉपिक को भी देखना चाहते हैं तो मैं टॉपिक वाइज भी कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज नबार्ड फॉर्म्ड, नबार्ड का स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है नबार्ड का स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 12 जुलाई 1982। 1982 में नबार्ड का स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर देखें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई लोकेटेड है। और इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, तो इसका हिंदी मीनिंग है। तो इसका स्थापना 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है विच इज द टोलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड का टोलेस्ट वाटरफॉल बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एंजल फॉल। एंजल फॉल ये वर्ल्ड का टोलेस्ट वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल का हाइट 979 मीटर है। और ये वाटरफॉल आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो यहाँ पे ये वाटरफॉल लोकेटेड है। और यहीं पे हम कुंचिकल फॉल के बारे में बात करें तो ये इंडिया का टोलेस्ट वाटरफॉल है। और ये आपको कर्नाटक का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और कुंचिकल फॉल का हाइट 555 मीटर है। तो इससे पहले मैं वाटरफॉल ऑफ इंडिया पर कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो कुंजिकल फॉल ये इंडिया का टोलेस वाटरफॉल है। और एंजल फॉल ये वर्ल्ड का टोलेस वाटरफॉल है, जो वेनेजुएला कंट्री में स्थित है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रेजेंट मंथली सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान मासिक वेतन कितना है। तो यहाँ पे आपको भारत के राष्ट्रपति का मंथली सैलरी प्रेजेंटली कितना है वो बताना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 5 लाख। 5 लाख मंथली सैलरी करंटली है राष्ट्रपति का। और यहीं पे हम राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 54 में इलेक्शन से संबंधित मेंशन है। और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट से संबंधित है, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से संबंधित आर्टिकल 61 में है। और करंटली राष्ट्रपति भारत के तो जाने होंगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और राष्ट्रपति का सैलरी 5 लाख होता है मंथली। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन विच आर्टिकल इज दिस मेंशन, राइट टू प्रॉपर्टी एक संवैधानिक अधिकार है, तो इसे किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट टू प्रॉपर्टी को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के तहत जो 1978 में हुआ था, तो इस संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहकर आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया गया है। तो ये संशोधन इम्पोर्टेंट है और आर्टिकल ये इम्पोर्टेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया आर्टिकल 300A में 44th अमेंडमेंट के तहत जो 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है बिटवीन विच कंट्रीज इज द हिडन बग लाइन लोकेटेड, हिडन बग लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है किन दो देशों के बॉर्डर को हिडन बग लाइन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जर्मनी एंड पोलैंड। जर्मनी एंड पोलैंड के लाइन को, जर्मनी एंड पोलैंड के बॉर्डर के लाइन को हिडन बग लाइन कहा जाता है। देन यहीं पर हम बात करें नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर को 30th पैरल लाइन कहा जाता है। और फ्रांस एंड जर्मनी के बॉर्डर लाइन को मेजिनोट लाइन कहा जाता है। और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर को ड्रोन लाइन कहा जाता है, ड्रोन लाइन के नाम से जाना जाता है। बट यहाँ आपसे स्पेशली पूछ रहा है हिडन बग लाइन, तो जर्मनी एंड पोलैंड के बॉर्डर को हिडन बग लाइन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट बाय द नेम ऑफ द स्पेस शटल दैट टूक मैन टू द मून, चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का क्या नाम था। तो यहाँ पे आपको उस स्पेस शटल का नाम बताना है जिससे चांद पे मनुष्य को ले जाया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अपोलो। अपोलो के तहत चांद पे मनुष्य को ले जाया गया था। तो अपोलो मिशन ये चांद पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित मिशन था। और पहला कदम मनुष्य के द्वारा अदर प्लेनेटरी बॉडी पे नील आर्मस्ट्रांग और बूज एल्ड्रिन के द्वारा 20 जुलाई 1969 में रखा गया था। तो 1969 में पहला कदम मनुष्य के द्वारा अदर प्लेनेटरी बॉडी पे नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था। देन दूसरे बूज एल्ड्रिन थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर अपोलो मिशन यह पहला मिशन था चांद पे ले जाने वाला मनुष्य को। और पहला मनुष्य चांद पे नील आर्मस्ट्रांग ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये यूएसए को बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर, नए देश के रूप में बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना नए देश के रूप में बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1971 में विद द हेल्प ऑफ इंडिया बांग्लादेश का स्थापना हुआ था।
और इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही लगता है। तो हमारा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही लगता है, लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट है, वेन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1921। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा को खोजा गया था। तो सबसे पहले हड़प्पा शहर को ही खोजा गया था, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कंसिडर किया जाता है। तो इससे पहले मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पर पूरा कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है, वेन वाज द फर्स्ट सेंस कंडक्टेड इन इंडिया, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1872। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी, और यह जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अंडर में कंडक्ट कराया गया था। तो लॉर्ड मेयो के अंडर में यह जनगणना कंडक्ट कराया गया था, और प्रत्येक 10 साल में यह जनगणना कंडक्ट किया जाता है। तो 1872 के बाद यह प्रत्येक 10 साल में कराया जाता है। और यहीं पे हम बात करें भारत का पहला कंप्लीट जनगणना कब कराया गया था, तो कंप्लीट 1881 में, 1881 में पहला कंप्लीट जनगणना भारत में कराया गया था। और 2011 में कौन सा जनगणना था, 2011 में भारत का 15 था। तो अब तक भारत में 15 बार जनगणना किया जा चुका है, और 2021 का ये 16th है, बट इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है कोविड के चलते। नेक्स्ट है, हु आर द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बालदेव। बालदेव सिंह ये भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, और करंटली रामनाथ सिंह जी हैं। तो करंटली रामनाथ सिंह जी हैं, और बालदेव सिंह ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के। नेक्स्ट है, इन विच ईयर एसटीडी सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में एसटीडी सर्विस कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1960। 1960 में भारत में एसटीडी सर्विस शुरू हुआ था, और ये सर्विस कानपुर टू लखनऊ हुआ था। तो कानपुर और लखनऊ के बीच में एसटीडी सर्विस शुरू हुआ था। और यहीं पे हम बात करें आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग के बारे में बात करें, तो यह सर्विस मुंबई टू लंदन शुरू हुआ था यह सर्विस, और यह सर्विस 1976 में हुआ था शुरू, और एसटीडी को 1960 में किया गया था शुरू। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज द मोस्ट पोस्ट ऑफिसेस, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इंडिया। इंडिया में सबसे अधिक डाकघर है, बात करें नंबर में तो लगभग 1,55,000 के आसपास है, ये 2017 के अनुसार है। तो 2017 के अनुसार भारत में 1,55,000 के आसपास पोस्ट ऑफिस है, तो वर्ल्ड में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस इंडिया में है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज पोस्टेज स्टैम्प इशू इन इंडिया, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1854। 1854 में भारत में पोस्टेज स्टैम्प को शुरू किया गया था, भारत में डाक टिकट को 1854 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 1854। नेक्स्ट है, इन विच ईयर मनी ऑर्डर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1880। 1880 में भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1880। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विथ चाइना, हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर किन्नौर। किन्नौर ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो हिमाचल प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, फर्स्ट इज किन्नौर, देन सेकेंड इज लाहौल और स्पीति। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इससे पहले मैं नेबरिंग ऑफ इंडिया पर कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पर लिख दे दूंगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाई द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश, भारत में प्लानिंग कमीशन का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1950। 1950 में भारत में प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुआ था। तो इसका स्थापना 1950 में हुआ था, और प्लानिंग कमीशन के हेड प्राइम मिनिस्टर होते थे, लेकिन 2014 में प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया, और इसके जगह पे नीति आयोग को स्थापित किया गया है। तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग को 2014 में स्थापित किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, बाई विच व्हीकल डिड इंडिया लॉन्च 104 सैटेलाइट इन 2017। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है PSLV C-37।
पीएसएलवी C-37 के द्वारा भारत ने 2017 में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। और ये सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। देन यहीं पे हम बात करें GSLV Mark-3 M1, तो इसके द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 2019 में, और यह भी श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। देन बात करें हम यहीं पे Cosmos-3M के द्वारा, तो ये एक रशियन लॉन्च व्हीकल है, तो इसके द्वारा हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था 1975 में। दुनिया पे हम बात करें PSLV C-11, तो इसके द्वारा चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में, और ये भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। बट यहाँ से स्पेशली पूछ रहा है 104 सैटेलाइट 2017 में किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये PSLV C-37 था। और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये PSLV का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको पहले व्यक्ति का नाम बताना है जो स्पेस में गए थे, तो ये तो जान ही रहे होंगे, यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन ये पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे, और ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये रशिया को बिलोंग करते हैं, और रशिया वर्ल्ड में पहला कंट्री बना था जो स्पेस में ह्यूमन को भेजा था। देन यहीं पे हम बात करें फर्स्ट फीमेल के बारे में, तो वेलेंटिना तेरेश्कोवा ये पहली महिला थी, और ये भी रशिया को बिलोंग करती है, और रशिया महिलाओं को भी भेजने वाला ये पहला कंट्री बना था। और वेलेंटिना तेरेश्कोवा ये कब गए थी, तो ये 1963 में गई थी, और यूरी गागरिन ये 1961 में गए थे। देन यहीं पे हम बात करें एलन सेफर्ड के बारे में, तो ये अमेरिकन थे, और ये पहले अमेरिकन थे जो स्पेस में गए थे, और वर्ल्ड में दूसरे यूरी गागरिन के बाद स्पेस में जाने वाले व्यक्ति बने थे। और राकेश शर्मा ये भारत को बिलोंग करते हैं, और इनके बारे में जान ही रहेंगे, ये पहले भारतीय थे जो स्पेस में गए थे 1984 में। नेक्स्ट है, बिटवीन हुम वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फाउट, पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये किसके बीच हुआ था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, अकबर एंड हेमू। अकबर और हेमू के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, और यह बैटल 1556 में हुआ था। और यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो यह बैटल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। और यहीं पे हम बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था, बट स्पेशली पूछ रहा है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये अकबर और हेमू के बीच में 1556 में हुआ था। नेक्स्ट है, विच कनाल कनेक्ट द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, कौन सा नहर अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, पनामा कनाल। पनामा कनाल ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, पनामा कनाल। नेक्स्ट है, व्हेन वाज भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो शॉर्ट फॉर्म में भारतीय जनता पार्टी को BJP कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है BJP का स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 1980। 1980 में BJP का स्थापना हुआ था, तो इसका स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी के द्वारा किया गया था। तो ये मेंबर थे जनता पार्टी के, तो अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी ये जनता पार्टी के मेंबर थे। तो जनता पार्टी के टूटने के बाद 1980 में इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया था, और पहले प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी बने थे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये इम्पोर्टेंट है, पहले प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और इसका स्थापना 1980 में किया गया था जनता पार्टी के टूटने के बाद। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट पास, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1856। 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1856, और इसे लॉर्ड डॉलहौजी के द्वारा पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु आर द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे आपको उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है जो माउंट एवरेस्ट को पहली बार क्लाइंब किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, तो ये दोनों जन थे जो माउंट एवरेस्ट को पहली बार क्लाइम किए थे। तो एडमन हिलेरी ये नेपाल को बिलोंग करते हैं, ये नेपाल के रहने वाले हैं, और तेंजिंग नॉर्गे ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, तो ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। तो इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1953 में इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को पहली बार क्लाइम किया गया था, तो ये पहले व्यक्ति बन गए थे विश्व के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले।
देन यहीं पे हम फीमेल बात करें, पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला जाको तबाई थी, तो ये जापान के रहने वाली है, तो ये माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली पहली फीमेल थी और ये 1975 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहली फीमेल जाको तबाई, और यदि मैन या पहले व्यक्ति कौन थे, तो एडमिन हेलरी और तेंजिंग नॉर्गे ये दोनों थे। और यहाँ पे हम माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें, तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई लगभग जान ही रहेंगे 8848 मीटर के आसपास है, और माउंट एवरेस्ट ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों माउंट एवरेस्ट को पहली बार क्लाइम किए थे, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ सनराइज, सूर्य उदय का देश किस कंट्री को कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको उस देश का नाम बताना है जिसे लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर जापान, जापान को लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है और जापान का कैपिटल टोक्यो है। और इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा भारत में किस स्टेट को कहा जाता है लैंड ऑफ सनराइज, तो अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है भारत में, और ओवरऑल वर्ल्ड में जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ सनराइज, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस देश को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ एरिया किस कंट्री को वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री कंसिडर किया जाता है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कनाडा, कनाडा को वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कंसिडर किया जाता है, और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है कनाडा, तो इसे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कहा जाता है या माना जाता है। और इसका एरिया अप्रोक्स कितना है, तो इसका एरिया अप्रोक्स 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कनाडा का एरिया है, तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रसिया, तो रसिया का एरिया अप्रोक्स 1.7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर रशिया का एरिया, तो ये विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है ऑन द अर्थ प्लेनेट, ये लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, देन सेकेंड कनाडा का नंबर आता है, और अपना इंडिया का वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट आता है, तो ये इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो यहाँ पे आपको उस प्रथम भारतीय का नाम बताना है जो नोबेल प्राइज के विनर थे, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, किस फील्ड में, तो लिटरेचर की फील्ड में इनको मिला था, तो ये पहले भारतीय बन गए थे और ये पहले एशियन भी बने थे नोबेल प्राइज पाने वाले। देन यहीं पे हम बात करें सी वी रमन के बारे में, तो सी वी रमन ये पहले भारतीय थे साइंस के फील्ड में नोबेल पाने वाले, तो इनको साइंस के फील्ड में ये पहले भारतीय बने थे नोबेल पाने वाले, और इनको साइंस के फील्ड में स्पेशली फिजिक्स में दिया गया था, तो इन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी 1928 में 28 फरवरी को किए थे, तो इसलिए इनको 1930 में 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में, तो क्योंकि ये रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किए थे 1928 में 28 फरवरी को, तो इसलिए हम इंडिया में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं इनके रमन इफेक्ट के डिस्कवरी को मार्क करने के लिए, तो इनको फिजिक्स के फील्ड में मिला था। देन अमृता सेन इनको भी मिला हुआ है नोबेल प्राइज, इनको किस फील्ड में मिला था, तो इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1998 में मिला था। देन कैलाश सत्यार्थी तो इनको भी मिला हुआ है, इनको मिला था पीस के फील्ड में 2014 में, तो ये सारे नोबेल प्राइज के विजेता हैं, बट ये आपसे पूछ रहा है पहले भारतीय, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, विच मौर्यन रूलर फाउंडेड श्रीनगर, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आपको उस मौर्य शासक का नाम बताना है जो श्रीनगर का स्थापना किए थे, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अशोक, तो ये अशोक थे जो श्रीनगर का स्थापना किए थे, तो श्रीनगर ये जम्मू एंड कश्मीर का करंटली कैपिटल है, तो श्रीनगर का स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। तो इससे पहले मैं पूरा पूरा मौर्य एम्पायर कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो इनके द्वारा श्रीनगर का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा इमारत कौन सा है, तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और ये आपको यूएई में देखने को मिलेगा, यूएई
यूनाइटेड अरब एमिरेट में लोकेटेड है, और स्पेशली ये यूनाइटेड अरब एमिरेट में आपको दुबई में देखने को मिलेगा। तो दुबई ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सिटी है। तो यहाँ पे बुर्ज खलीफा लोकेटेड है, और इस बिल्डिंग का, इस इमारत का हाइट अप्रोक्सी 828 मीटर के आसपास है। तो ये वर्ल्ड का टोलेस्ट बिल्डिंग है, विश्व का ये सबसे ऊंचा इमारत है बुर्ज खलीफा, जो यूएई दुबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1931, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट पे साइन हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1931। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन पैक्ट पे साइन किया गया था। तो इससे पहले मैं महात्मा गांधी पे लगभग 70+ क्वेश्चन कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देखें, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में किया गया था। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी बैन द यूज ऑफ एल्कोहल इन दिल्ली, खिलजी वंश के किस शासक ने दिल्ली में शराब के उपयोग को प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पे आपको बताना है, खिलजी डायनेस्टी के किस रूलर के द्वारा दिल्ली में शराब के उपयोग पे प्रतिबंध लगाया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में अल्कोहल के यूज पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशासब था। तो ये अली गुरशासब अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था, और खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 में किया गया था, और जलालुद्दीन खिलजी को मलिक फिरोज के नाम से भी जाना जाता था। तो मलिक फिरोज के द्वारा ही खिलजी वंश का स्थापना किया गया था। तो खिलजी वंश ये दिल्ली सल्तनत का सेकेंड डायनेस्टी था। तो इससे पहले मैं पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत किया हूँ सिक्वेंस बाद, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी रूल किए थे, तो ये 5 डायनेस्टी में सिक्वेंस बाय कवर किया हूँ, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। तो गौतम बुद्ध ये कौन थे? तो ये बुद्धिज्म के संस्थापक माने जाते हैं, इन्हीं के द्वारा बौद्ध धर्म को स्थापित किया गया था, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इससे पहले मैं बुद्धिज्म पे कवर किया हूँ, बुद्धिज्म ये प्राचीन भारत का पार्ट है, तो मैं बुद्धिज्म को प्राचीन भारत में कवर किया हूँ, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और यह मैसेकर कहाँ पे हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था, जनरल डायर के ऑर्डर पे ये अमृतसर में मैसेकर हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया डिड द रिबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड, 1857 का विद्रोह भारत के किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है, 1857 का विद्रोह भारत के किस स्थान से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मेरठ, मेरठ से 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मेरठ, और मेरठ ये यूपी में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनके द्वारा 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इससे पहले मैं इन पे भी लेक्चर कवर किया हूँ, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मूल शंकर, मूल शंकर ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम था, इनका रियल नाम था मूल शंकर। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिटर्न टू द वेद्स हुज स्टेटमेंट इज दिस, वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है कि वेदों की ओर लौटो। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो ये शासिका कब बनी थी? तो ये लगभग 1236 एडी के आसपास में ये बनी थी। तो ये लगभग
1236 एडी के आसपास में बनी थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो राजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश का संबंध सलेब डायनेस्टी से है और सलेब डायनेस्टी का शासन दिल्ली सल्तनत पे था। तो दिल्ली सल्तनत पे पहला शासक सलेब डायनेस्टी का ही था, सलेब डायनेस्टी का ही था पहला शासन दिल्ली सल्तनत पे। तो राजिया सुल्तान ये भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी और ये दिल्ली सल्तनत का भी पहली और अंतिम महिला थी दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाली। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1973। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाई द प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना लॉन्च। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 2016। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 2016। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट कलर फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में निर्मित पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पे आपको भारत में निर्मित पहली कलर फिल्म बताना है कौन सी है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है किशन कन्हैया। किशन कन्हैया ये भारत की पहली कलर फिल्म थी। तो इसे रिलीज कब किया गया था? तो इसे रिलीज 1937 में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन थे? तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर अर्दशीर ईरानी थे। तो इनके द्वारा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। तो किशन कन्हैया ये भारत की पहली कलर फिल्म थी जो 1937 में रिलीज हुई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है किशन कन्हैया। नेक्स्ट है, वेयर इज हुमायूं थॉम लोकेटेड। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है, हुज डॉटर वाज राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान ये किसकी पुत्री थी? तो इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शमशुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी राजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, चंपानगर वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। चंपानगर किस महाजनपद का कैपिटल था? तो यहाँ पे आपको बताना है चंपानगर ये किस महाजनपद का कैपिटल था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अंगा। चंपानगर ये अंगा का कैपिटल था। तो देन यहाँ पे हम बात करें गंधार का, तो गंधार का कैपिटल तक्षशिला था। देन बात करें सूरसेना का, तो सूरसेना का कैपिटल मथुरा था। देन बात करें कुरु का, तो कुरु का कैपिटल हसीनापुर था। तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद से यहाँ पे हम 4 महाजनपद को कवर किया है। तो इससे पहले मैं पूरा पूरा महाजनपद भी कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको स्पेशली पूछ रहा है चंपानगर ये किसका कैपिटल था, तो ये अंगा का कैपिटल था, अंगा महाजनपद का। नेक्स्ट है, विराटनगर वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। विराटनगर ये किस महाजनपद का कैपिटल था? तो यहाँ पे आपको बताना है विराटनगर ये ऑप्शन में से किस महाजनपद का कैपिटल था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर मत्स्य। विराटनगर ये मत्स्य का कैपिटल था। देन यहीं पे हम बात करें ऑप्शन में दिख रहा है जैसे काशी, तो काशी का कैपिटल वाराणसी था। मगध का कैपिटल राजगीर था, तो राजगीर ये करंटली आपको बिहार में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है पंचाल, तो पंचाल का कैपिटल अहिच्छत्र था। पंचाल का कैपिटल अहिच्छत्र था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद के कैपिटल डिस्कस किए, बट ये विराटनगर ये मत्स्य का कैपिटल था। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट एम्पायर बिल्डर किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को फर्स्ट एम्पायर बिल्डर कहा जाता है। तो इस वंश का स्थापना महापद्मानंदा के द्वारा लगभग आज से 2500 साल पहले किया गया था। तो लगभग आज से 2500 साल पहले नंदा वंश का स्थापना महापद्मानंदा के द्वारा किया गया था। तो बात करें ये वंश कहाँ पे शासन कर रहा था ये डायनेस्टी, तो ये डायनेस्टी मगध पे शासन कर रहा था। तो इस डायनेस्टी के बाद ही मौर्य एम्पायर का स्थापना मगध पे किया गया था। तो आप इस फैक्ट से याद रख सकते हैं क्योंकि मौर्य एम्पायर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मौर्य एम्पायर का स्थापना नंदा डायनेस्टी के बाद ही मगध पे किया गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द दिल्ली डिक्लेयर द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है दिल्ली को भारत का कैपिटल कब बनाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1911।
1911 में दिल्ली को भारत का कैपिटल बनाया गया था। तो इससे पहले हमारा कैपिटल कोलकाता था, लेकिन 1911 में दिल्ली से कोलकाता शिफ्ट किया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1911। नेक्स्ट है, हु आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जब हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर 1940 से 1945 तक थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में चलाया गया था। तो आप ये याद रख सकते हैं, ये इस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, विच वन वॉज बिल्ड बाय अकबर इन द मेमोरी ऑफ गुजरात विक्ट्री। गुजरात विजय की यादगार में अकबर के द्वारा किसका निर्माण किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है अकबर के द्वारा गुजरात विक्ट्री के मेमोरी में किसका निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था, और ये आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी, अब ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, यूपी में लोकेटेड है। तो यहाँ पे गुजरात विक्ट्री के बाद बुलंद दरवाजा को निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ सामूगढ़ टेक प्लेस। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1658। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सामूगढ़ हुआ था। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में हुआ था, 1658 में बैटल ऑफ सामूगढ़। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1658। नेक्स्ट है, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग द कांग्रेस इन 1939। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का स्थापना किए थे? तो यहाँ पर आपको बताना है 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ने के बाद किस पार्टी का स्थापना किए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो इन पर भी मैं सेपरेट कवर किया हूँ, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है, हु आर द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये स्वतंत्र भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और ये कब बने थे? तो ये 1967 में बने थे। तो इस टाइम भारत की पीएम इंदिरा गांधी थे, तो इनके कार्यकाल में ये भारत के प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है जाकिर हुसैन, ये स्वतंत्र भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है, विच हिमालयन पीक इज कॉल्ड सागरमाथा। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो ये तो जानते ही होंगे, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है नेपाल में, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये आपको नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी द हेडक्वार्टर्स ऑफ टू रेलवे जोन ऑफ इंडिया। भारत के दो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर किस शहर में है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मुंबई। मुंबई में आपको दो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट इज वेस्टर्न रेलवे, देन सेकेंड यानी सेंट्रल रेलवे। तो ये दो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है, और जानते होंगे भारत में 18 रेलवे जोन है, तो इस 18 में से दो मेजर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर मुंबई। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हुज पीरियड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वॉज इस्टाब्लिश। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किसके पीरियड में किया गया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के पीरियड में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, हु वाज़ द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तब भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना है जब 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, तब भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये भारत का वायसराय था जब हमारे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो उस टाइम वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था।
नेक्स्ट है, व्हेन डिड द अर्जुन अवार्ड स्टार्ट, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1961, 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ है और यह पुरस्कार स्पोर्ट और गेम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। तो ये अवार्ड गेम और स्पोर्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है और साथ में 15 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो ये अवार्ड के साथ में 15 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाता है और ये अवार्ड 1961 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट करंट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल्य कर्तव्य मेंशन है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारतीय संविधान में करंटली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 11, 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में। तो ये आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? तो ये आर्टिकल 51A में देखने को मिलेगा आपको। और बात करिए किस पार्ट में है, तो यह पार्ट 4A में मेंशन किया गया है। और यहीं पे हम बात करें इसे किस कंट्री से बोरो किए हुए, तो इसे रशियन फेडरेशन से बोरो किए हुए, जिसे पहले USSR या सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। और इसे किस संशोधन के तहत बोरो किए हुए, तो इसे 42nd अमेंडमेंट, जो यह अमेंडमेंट कब हुआ था, तो यह 1976, तो 1976 में हम मूल कर्तव्य को बोरो किए हुए। तो जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम संविधान में मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे, तो इसे 1976 में बोरो किए हुए रशियन फेडरेशन से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 11। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं फंडामेंटल राइट, तो 6 फंडामेंटल राइट है, जो आपको आर्टिकल 12 से 35 के बीच में देखने को मिलेगा और पार्ट 3 में मेंशन है फंडामेंटल राइट। तो इसे हम यूएसए से बोरो किए हुए हैं, तो फंडामेंटल राइट को यूएसए से बोरो किए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल ड्यूटीज को रशियन फेडरेशन से बोरो किए हुए हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन, मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज ये किस पार्ट में दिया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पार्ट 4A, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को दिया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पार्ट 4A, और आर्टिकल ये 51A में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नवरत्न वेर देयर इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो यहाँ पे आपको बताना है अकबर के दरबार में कितने जेम थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 9 जेम थे अकबर के दरबार में। तो कुछ इंपॉर्टेंट जेम देखें, तो अबुल फैजल, तो अबुल फैजल के द्वारा ही अकबरनामा को लिखा गया है। तो यहाँ में क्वेश्चन पूछ जाते हैं अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये अबुल फैजल के द्वारा ही लिखा गया था, और अबुल फैजल ये अकबर का नवरत्न था, एक जेम था। देन यहीं पे कुछ और इंपॉर्टेंट जेम देखें, तो फैजी, देन बीरबल, तो बीरबल जानते ही होंगे, ये बीरबल के खिचड़ी के लिए कुछ ज़्यादा ही फेमस है, तो ये भी अकबर के नवरत्न में से एक थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जेम है अकबर के, तो ये अकबर के नवरत्न हैं, तो आप इसे पोच करके देख सकते हैं, ये अकबर के नवरत्न हैं। नेक्स्ट है, द टर्म सत्यमेव इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव शब्द किससे लिया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल एम्बलम में सत्यमेव शब्द को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद से नेशनल एम्बलम में सत्यमेव शब्द को लिया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मुंडका उपनिषद। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपॉइंटेड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को शॉर्ट फॉर्म में ICJ कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है ICJ के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने सालों के लिए होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 9 वर्ष के लिए होता है, और ICJ का हेडक्वार्टर आपको हेग नीदरलैंड में देखने को मिलेगा, हेग नीदरलैंड में स्थित है, और ICJ ये UN के 6 मेन ऑर्गन में से एक है। तो UN के 6 मेन ऑर्गन है, तो ये 6 में से एक है, और ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका से बाहर में है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में 5 ऑर्गन का हेडक्वार्टर है, लेकिन ICJ का हेडक्वार्टर आपको नीदरलैंड हेग में देखने को मिलेगा। तो ICJ के न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ हॉकी इन द ओलंपिक गेम्स, भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो यहाँ पे आपको बताना है ओलंपिक गेम्स में
हॉकी का पहला स्वर्ण पदक भारत कब जीता था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1928, 1928 में समर ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक भारत जीता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1928। और ये ओलंपिक कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये नीदरलैंड, नीदरलैंड के एम्स्टरडेम शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो शहर भी पूछे जाते हैं। भारत जब पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था तो ये ओलंपिक कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडेम में ऑर्गेनाइज किया गया था 1928 में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है भारत पहली बार 1928 में समर ओलंपिक में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, विच यूनिट इज यूज टू साउंड लेवल? साउंड लेवल के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है बेसिकली साउंड का यूनिट कौन सा है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है डेसीबल। डेसीबल ये साउंड का यूनिट है। देन यहाँ पे बात करें पास्कल, तो पास्कल ये प्रेशर का यूनिट है। देन यहाँ पे हम बात करें फेराडे, तो फेराडे ये कैपेसिटर का यूनिट है। देन हम यहीं पे बात करें सीमेंस, तो सीमेंस ये कंडक्टेंस का यूनिट है। बट ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है साउंड का, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है साउंड का यूनिट डेसिबल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से बताना है ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सेरिब्रेम। सेरिब्रेम ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और जानते होंगे मनुष्य के ब्रेन को तीन भाग में बांटा गया है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, देन सेकेंड इज मिड ब्रेन, देन थर्ड इज हिंद ब्रेन। तो सेरिब्रेम ये फोर ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिब्रेम ये फोर ब्रेन का भाग है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सेरिब्रेम ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और ये आउटर पार्ट भी है ह्यूमन ब्रेन का। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर इज द टेहरी डैम बिल्ट? टेहरी डैम को किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है टेहरी डैम को किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है भागीरथी रिवर। टेहरी डैम को भागीरथी नदी पे बनाया गया है और ये डैम आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है और ये डैम इंडिया का टोलेस्ट डैम है। तो टेहरी डैम ये इंडिया का टोलेस्ट डैम है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये डैम। इस डैम का बात करें हाइट कितना है, तो अप्रोक्स 260.5 मीटर। तो ये इंडिया का टोलेस्ट डैम है जो आपको उत्तराखंड के भागीरथी नदी पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर वॉज हेल्ड अट? चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे आपको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बताना है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कनिस्क। कनिस्क में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कनिस्क। और यहीं पे हम बात करें कितने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए थे प्राचीन भारत में, तो चार। तो फर्स्ट इज जो कराया गया था राजगीर में। देन यहीं पे हम बात करें सेकेंड, तो सेकेंड ये वैशाली में कराया गया था। देन यहीं पे हम बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये पाटलिपुत्र में कराया गया था। और फोर्थ ये कनिष्क में कराया गया था। तो इससे पहले मैं बुद्धिज्म पे कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कनिष्क में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। लेकिन यहीं पे हम बात करें पहली बार ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, तो पहली बार ये स्लोगन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर मौलाना हसरत मोहनी के द्वारा 1921 में दिया गया था। तो पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर मौलाना हसरत मोहनी के द्वारा दिया गया था, लेकिन प्रसिद्ध यह भगत सिंह के द्वारा हुआ है, तो इसलिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है देहरादून। देहरादून में आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। देन यहीं पे हम और इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखें, तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देखने को मिलेगा, तो यह भी देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो यह भी आपको देहरादून उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे हम बात कर ले कटक में, तो कटक में आपको सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा कटक में। पणजी में आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी देखने को मिलेगा पणजी गोवा में। देन जमशेदपुर ये झारखंड में लोकेटेड है, तो यहाँ पे आपको नेशनल मेटलॉजिकल लेबोरेटरी देखने को मिलेगा। तो जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था।
तो यहाँ पे आपको नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और देहरादून में ये तीन इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में दिया गया है। देन यहीं पे हम बात कर ले आर्टिकल 346। तो आर्टिकल 346 में एक स्टेट और अनदर स्टेट या फिर स्टेट और यूनियन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज दिया मेंशन किया गया है आर्टिकल 346 में। और आपको आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लैंग्वेज यूज के बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 348 में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज किए जाएंगे तो ये आर्टिकल 348 में मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद भूटान। भारत का वो कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत का वो कौन सा स्टेट है जो भूटान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, नागालैंड। तो ये नागालैंड है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो सिक्किम, सिक्किम का बॉर्डर लगता है। वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर लगता है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है। और एक और स्टेट है असम। तो ये चार इंडियन स्टेट भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इससे पहले मैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री पे पूरा कवर किया हूँ लेक्चर, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। और भूटान एक ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत का वह कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो लैंड लॉक है। तो भारत के तीन नेबरिंग कंट्री लैंड लॉक हैं। तो फर्स्ट इज भूटान हो गया, देन सेकेंड इज नेपाल, देन थर्ड इज अफगानिस्तान। तो ये तीन नेबरिंग कंट्री लैंड लॉक हैं, इनका डायरेक्ट एक्सेस सी या ओशियन से नहीं है। तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है, तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और नागालैंड ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक थे और इनके द्वारा ये 1932 में किया गया था, 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज कंसिडर टू बी द स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र किस देश को माना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है विश्व का स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी किस कंट्री को कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, नौरू। नौरू को वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी कंसिडर किया जाता है। इस कंट्री का पॉपुलेशन बात करें जनसंख्या, तो इस कंट्री का जनसंख्या लगभग 10,500 के आसपास है। तो ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और मोनाको ये वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। लिंगराज टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा में आपको लिंगराज टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है, भुवनेश्वर ओडिशा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कोस्ट लाइन स्टेट्स इन इंडिया। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के कितने स्टेट का कोस्ट लाइन लगता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, 9। 9 स्टेट का कोस्ट लाइन लगता है। तो इसमें से गुजरात का सबसे लंबा कोस्ट लाइन लगता है, बात करें कितना, तो 1600 किलोमीटर गुजरात का कोस्ट लाइन लगता है, जो सबसे ज़्यादा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के कौन सा स्टेट है जिसका लंबा कोस्ट लाइन लगता है, तो आपका आंसर होगा गुजरात। गुजरात का 1600 किलोमीटर का लगता है। देन यहीं पे हम बात करें कितने यूटी का कोस्ट लाइन लगता है, तो ये 4 UT हैं जिनका कोस्ट लाइन लगता है। तो 4 UT और 9 स्टेट, तो इंक्लूडिंग बात करें कितना किलोमीटर लगता है, तो इंक्लूडिंग 7517 किलोमीटर। तो इंक्लूडिंग आइलैंड भारत का कोस्ट लाइन 7517 किलोमीटर का लगता है। तो इसमें से 1600 किलोमीटर ये गुजरात का ही है। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द रिवॉल्वर। रिवॉल्वर का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपको उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जो रिवॉल्वर को इन्वेंट किया था।
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर को डिस्कवर किया गया था। देन यहीं पे हम बात कर ले माइकल फ्राडे, तो माइकल फ्राडे के द्वारा डायनेमो को डिस्कवर किया गया था। देन जी मार्कोनी, तो जी मार्कोनी के बारे में हम जानते होंगे, इनके द्वारा रेडियो को डिस्कवर किया गया था। देन यहीं पे हम बात कर लें के मैकमिलन, तो के मैकमिलन के द्वारा बायसाइकिल को डिस्कवर किया गया था, बायसाइकिल। बट सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, आपको महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद में आपको बीबी का मकबरा देखने को मिलेगा, और यह मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। तो औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया था। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाई द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। तो यहाँ पर आपको उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, पंजाब। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया गया था, या आर्टिकल 356 को एक्टिव किया गया था। तो जानते होंगे भारत में तीन प्रकार के इमरजेंसी लगाए जाते हैं, तो आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है। देन आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं राज्यों में। देन आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए जाते हैं। अब तक भारत में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी को नहीं लगाया गया है, तो आर्टिकल 360 को अब तक एक भी बार एक्टिव नहीं किया गया है, और पहली बार आर्टिकल 356 को पंजाब में लगाया गया था 1951 में लगाया गया था आर्टिकल 356 को पंजाब में। तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु आर द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज राजा जी, किस फ्रीडम फाइटर को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में CR और राजा जी भी कहा जाता है, और इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजागोपालाचारी है। और ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे, और सी राजागोपालाचारी वन ऑफ द फर्स्ट रिसिपिएंट में से एक है भारत रत्न पाने वाले। तो ये भारत रत्न पाने वाले वन ऑफ द फर्स्ट रिसिपिएंट में से एक है, इनको 1954 में दिया गया था भारत रत्न। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, और आपको राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, राजा जी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, हु रिटर्न द टाइटल सर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियांवाला बाग मस्कियर। जालियांवाला बाग मस्कियर के प्रोटेस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर की उपाधि किसने लौटा दिया था। तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जो जालियांवाला बाग मस्कियर के प्रोटेस्ट में सर की टाइटल को लौटा दिए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, कल्लाई डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, कल्लाई डैम को किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, कावेरी रिवर। कावेरी नदी पे कल्लाई डैम को बनाया गया है, तो इस डैम को ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है, और ये डैम 150 AD में एंशियंट चोला किंग करिकलन के शासनकाल के दौरान बनाया गया है। तो इस डैम को 150 AD में एंशियंट चोला किंग करिकलन के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो रफली आज से लगभग 1800 से 1900 साल पहले कल्लाई डैम को बनाया गया था। तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है, और ये डैम आपको तमिलनाडु के तंजोर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के तंजोर डिस्ट्रिक्ट में कावेरी नदी पे बनाया गया है कल्लाई डैम को, और ये इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है। तो लगभग
सेकेंड सेंचुरी एडी में इस डैम को बनाया गया था। नेक्स्ट है, द वर्ड कंप्यूटर हैज बिन ड्राइव फ्रॉम, कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लैटिन, लैटिन से कंप्यूटर वर्ड का उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया है और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है। तो विश्व में फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कंसिडर किया जाता है और चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट है, द टर्म URL यूज इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में URL का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको URL का पूरा अर्थ बताना है क्या है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यह URL का पूरा नाम है और URL ये क्या है? तो ये एक वेब पेज है। नेक्स्ट है, द एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर, एंटी डिफेक्शन बिल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो ऑप्शन है राइट आंसर राजीव गांधी, राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान एंटी डिफेक्शन बिल को पारित किया गया था। तो एंटी डिफेक्शन बिल को 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ था, तो इस संशोधन के तहत भारत के संविधान में 10th शेड्यूल में ऐड किया गया है एंटी डिफेक्शन बिल को। तो एंटी डिफेक्शन बिल को 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ था, तो इस संशोधन के तहत 10th शेड्यूल में ऐड किया गया है और 10th शेड्यूल को भी इसी संशोधन के तहत संविधान में ऐड किया गया है। तो इससे पहले 9th शेड्यूल थे, तो 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट के तहत संविधान में ऐड किया गया है और करंटली आपको 12 शेड्यूल देखने को मिलेंगे 12। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड, एंटी डिफेक्शन बिल पारित के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह ये एंटी डिफेक्शन बिल के पारित के समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट है, विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? तो यहाँ पे आपको साउथ इंडिया का हाइएस्ट माउंटेन पीक बताना है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अन्ना मुडी, अन्ना मुडी ये साउथ इंडिया का हाइएस्ट माउंटेन पीक है और अन्ना मुडी ये वेस्टर्न घाट का भी हाइएस्ट माउंटेन पीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेस्टर्न घाट का हाइएस्ट माउंटेन पीक, तो अन्ना मुडी है और ये साउथ इंडिया का भी हाइएस्ट माउंटेन पीक है। तो इस माउंटेन पीक का हाइट 2695 मीटर है और ये आपको केरला के अन्ना मलाई हिल पे देखने को मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये केरला का भी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो ये साउथ इंडिया का तो है ही, वेस्टर्न घाट का भी ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है और बाय डिफॉल्ट ये केरला में स्थित है, तो ये केरला का भी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। नेक्स्ट है, यक्ष गान इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यक्ष गान किस राज्य का फोक डांस है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर कर्नाटका, कर्नाटका का फोक डांस यक्षगान है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। देन यहीं पर हम बात कर ले कथकली, तो कथकली ये केरला का क्लासिकल डांस है और केरला में एक और क्लासिकल डांस है तो उसका नाम है मोहिनी अट्टम। तो केरला में दो क्लासिकल डांसेस हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। देन यहीं पे हम बात कर लें सत्रिया, तो सत्रिया ये असम का क्लासिकल डांस है। देन बात करें यहीं पे हम कथक, तो कथक ये यूपी का क्लासिकल डांस है, बट यहाँ आपसे स्पेशली पूछ रहा है कुचिपुड़ी, तो ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और भारत में जानते होंगे भारत में 8 क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है, विच पोर्चुगीज सेलर डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया, किस पोर्तुगीज सेलर ने भारत के लिए सी रूट की खोज की थी? तो यहाँ पे आपको उस पोर्तुगीज सेलर का नाम बताना है जो भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वास्को डिगामा, तो ये वास्को डिगामा तो जो भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था, तो ये पहला यूरोपियन बना था जो भारत में आया था और ये 1498 के आसपास में आया था वास्को डिगामा। तो ये पहला यूरोपियन बन गया था और आपसे पूछा जाएगा ये किस कंट्री को बिलोंग करता है यूरोप में, तो ये पोर्तुगीज को बिलोंग करता है।
तो ये भारत में कहाँ पे पहली बार आया था? तो ये भारत में पहली बार कलिकट में था, जो आपको केरला में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यहाँ के शासक, उस टाइम के शासक जेमोरिन के द्वारा वेलकम किया गया था वास्को डिगामा को। तो वास्को डिगामा को कलिकट के शासक जेमोरिन के द्वारा वेलकम किया गया था। तो ये पहला यूरोपियन बना था भारत में आने वाला, और ये भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सरदार पटेल इज ऑल्सो नोन एज। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन में दिए गए ये सारे नामों से सरदार पटेल जी को जाना जाता है। तो इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये यूनिफायर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो सरदार पटेल ये कौन थे? तो ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, और ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और इनके डेडिकेशन में गुजरात में आपको नर्मदा नदी के आसपास में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगा। तो इनके डेडिकेशन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे मनाया जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग की वजह बन सकती है, तो इसलिए लोगों को अवेयर करने के लिए एवरी ईयर 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन शॉर्टेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेल कहा जाता है, सेल। तो यहाँ पे आपको बताना है सेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, न्यू दिल्ली। आपको न्यू दिल्ली में सेल का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है, न्यू दिल्ली। और सेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में सेल का स्थापना हुआ था, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट वाई सेट अप विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? तो यहाँ पे आपको उस कंट्री का नाम बताना है जो दुर्गापुर स्टील प्लांट को सेटअप करने में हेल्प किया था इंडिया को। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड था जो दुर्गापुर स्टील प्लांट को सेटअप करने में हेल्प किया था। तो ऑप्शन राइट आंसर इंग्लैंड। और दुर्गापुर स्टील प्लांट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और इस प्लांट को कब बनाया गया था? तो 1959 के आसपास में इस प्लांट को बनाया गया था, दुर्गापुर स्टील प्लांट को। नेक्स्ट है, वेयर इज काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड? काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ लोकेटेड है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, गुजरात। गुजरात में आपको काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन देखने को मिलेगा। तो ये गुजरात में आपको सूरत डिस्ट्रिक्ट में तापी नदी पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे बनाया गया है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन को। तो इससे पहले मैं इंडिया के इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कवर किया हूँ, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु सेड दैट इंडिया इज सोल लिव्स इन विलेज? किसने कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है? तो यहाँ पे आपको बताना, ये किसके द्वारा कहा गया था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है या रहती है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि भारत की आत्मा गाँव में रहती है। नेक्स्ट है, कोलायत फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कोलायत मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको कोलायत फेयर बताना, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, राजस्थान। तो कोलायत फेयर को राजस्थान में मनाया जाता है। तो राजस्थान के बीकानेर में आपको ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेला को मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस फेयर को कपिल मुनि फेयर भी कहा जाता है। तो कोलायत फेयर को कपिल मुनि फेयर भी कहा जाता है, और ये राजस्थान के बीकानेर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ नागालैंड? निम्नलिखित में से नागालैंड का कौन सा मेजर फेस्टिवल है? तो यहाँ पे आपको नागालैंड का मेजर फेस्टिवल बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, हॉर्नोबिल। हॉर्नोबिल ये नागालैंड का मेजर फेस्टिवल है। तो नागालैंड में ये फेस्टिवल प्रत्येक साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो ये 10 दिन का फेस्टिवल है नागालैंड का, हॉर्नोबिल। तो ये मेजर फेस्टिवल है नागालैंड के, और इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो हॉर्नोबिल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। देन यहीं पे हम नागालैंड के अदर फेस्टिवल देखें, तो जैसा कि देख ही रहे होंगे, मोत्सू,
देन नेक्स्ट है यमसे फेस्टिवल, देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सेक्रेनी, देन मोंगमो, उसके बाद लास्ट है मीम कर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नागालैंड के फेस्टिवल हैं। तो मोत्सु, यमसे, सेक्रेनी, मोंगमो, देन लास्ट है मीम कर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नागालैंड के फेस्टिवल हैं। और हॉर्नबिल ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑप्शन में ये भी डिस्कस कर लेते हैं जो फेस्टिवल है। तो मडाई ये आपको छत्तीसगढ़ का देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। सागा दावा ये सिक्किम का फेस्टिवल है। देन बैसाखी ये पंजाब का फेस्टिवल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बैसाखी फेस्टिवल है, ये पंजाब का है। और हॉर्नबिल ये नागालैंड का है। नेक्स्ट है वेयर इज फेमस रमापा टेम्पल लोकेटेड, फेमस रमापा टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है तेलंगाना, तेलंगाना में आपको फेमस रमापा टेम्पल देखने को मिलेगा। और इस टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। और ये टेम्पल आपको तेलंगाना के वारंगल में देखने को मिलेगा। और ये टेम्पल गॉड शिव को डेडिकेटेड है, ये गॉड शिव को समर्पित है। और इस टेम्पल को काकाटिया डायनेस्टी के राजा गणपति देवा के द्वारा 1213 एडी में बनाया गया था। तो रफली आप बोल सकते हैं 13th century AD में काकाटिया डायनेस्टी के राजा गणपति देवा के द्वारा बनाया गया था रमापा टेम्पल को, जो तेलंगाना में स्थित है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे आपको शिव जी देखने को मिलेंगे इस मंदिर में। और इसे रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, यहाँ पे आपको तेलंगाना में रमापा टेम्पल देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो अभी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।